ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज अकाउंट एंड फाइंड द बैलेंसेस। चैप्टर है लीजर, लीजर का क्वेश्चन नंबर 4। तो उनने केवल हमसे परचेज अकाउंट बनाने को बोला है, तो हम हेडिंग डालेंगे परचेज अकाउंट। कॉलम तुम लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ, फर्स्ट होता है डेट, फिर हमारा होता है पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट हमारा बेटा इसमें होता है जेएफ, फिर होता है अमाउंट, फिर वापस से कॉलम रिपीट होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये बेटा कॉलम है, ये भी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरफ डेबिट साइड होती है हमारी, ये हमारा होता है डेबिट और राइट हैंड साइड होता है हमारा क्रेडिट। इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब फर्स्ट एंट्री के साथ, डेट दी है 2017, तो इस तरफ भी 2017 और डेट के कॉलम में इस साइड भी 2017। बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। बेटा पहले तो लेजर करने के लिए हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है, तो मैं रफली तुम्हें जर्नल एंट्री बता देता हूँ। बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी बेटा, परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इससे पहले अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका अकाउंट बनता है उसमें उसका नाम नहीं आएगा, मीन्स हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज नहीं आएगा, तो परचेज नहीं आएगा तो क्या आएगा, टू कैश। यहाँ पे बेटा हमारे पास कैश का अकाउंट नहीं है, अगर कैश का अकाउंट होता तो हम बाय परचेजेस भी लिख देते, दो अकाउंट में लिखने को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू कैश और कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेज, पर यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये है कि केवल परचेज ही अकाउंट है, हमारे पास कैश अकाउंट है ही नहीं, तो बस परचेज अकाउंट में डायरेक्टली टू तरफ जाके लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो हम लिखते हैं डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, डेट है जनवरी 1 जैन 1, और डेट डाल देंगे हम टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट फिल करने वाले हैं, तो अमाउंट है बेटा फर्स्ट एंट्री का 30,000। बेटा जिस तरीके से हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट है बेटा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तपन, अब कैश में नहीं खरीदा है, अब किससे खरीदा है, तपन से, तो हमारी एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू तपन। अगर हम एंट्री बनाएं तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू तपन, ये बेटा हमारी एंट्री होगी। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू तपन करोगे आप, तो बेटा परचेज फिर से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये परचेज का अकाउंट है, तो क्या लिख पाएंगे हम, टू तपन। तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, टू तपन। डेट डालते हैं बेटा, नेक्स्ट डेट है हमारे पास जनवरी 8, तो जैन 8, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू तपन। तपन बेटा एक पर्सन है, पर्सन के साथ अकाउंट नहीं लगेगा, और अमाउंट डाल देंगे 15,000। तो ये हो गया हमारा टू तपन। नेक्स्ट है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ किया है तो ये बेटा ड्रॉइंग्स होता है। अभी दोनों एंट्री थी, बॉट किया था मतलब गुड्स आ रहा था, यहाँ पे बेटा क्या कर लिया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है, मतलब गुड्स जा रहा है। तो जर्नल एंट्री अगर हम बात करें तो अपन इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी बेटा हम डिस्कस जर्नल एंट्री में कर चुके हैं कि अगर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश आता था बेटा, पर यहां पे तो गुड्स निकाला है, देखो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो टू परचेज।
ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। अब ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज अगर हम करेंगे तो टू परचेजेस तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये परचेज का अकाउंट है, जिसका अकाउंट है उसका नाम उसमें नहीं आता है, तो टू परचेजेस नहीं आ सकता है। तो ड्रॉइंग्स अब किस तरफ जाएगा? बाएं तरफ। और क्या लिखेंगे हम? बाय ड्रॉइंग्स। तो वही अब देखो इस एंट्री को, नेक्स्ट अब डेट डालते हैं बेटा। डेट आएगी हमारी जनवरी 10, जनवरी 10। और क्या लिखेंगे हम अमाउंट के कॉलम में? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। और बेटा कितना कितने अमाउंट का विड्रॉ कर लिया? 2000। तो अमाउंट के कॉलम में हमारा आ जाएगा 2000। नेक्स्ट है बेटा फिर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि फ्री सैंपल, फ्री में हम गुड्स क्यों बांट रहे हैं? क्या बेनिफिट है फ्री में गुड्स बांटने से? कोई बिजनेसमैन जबरदस्ती में फ्री में गुड्स तो बांटेगा नहीं। तो फ्री में गुड्स बांटने का बेटा एक ही लॉजिक है कि हम हमारे गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस होता है, जर्नल एंट्री में हमने देखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो। तो जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गुड्स जा रहा है और ड्रॉइंग्स एक एक्सपेंस है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो टू परचेज तो नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स। बाय तरफ आएगी ये भी, जैन 15 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में, कितना है अमाउंट? 3000। तो ये हमने लिख दिया 3000। नेक्स्ट है बेटा लास्ट, गुड्स लॉस बाय फायर। तो ये भी लॉस है, इसकी भी एंट्री होगी बेटा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो टू परचेज फिर से नहीं आएगा, इस तरफ आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर, बाय लॉस्ट बाय फायर। और अकाउंट लगा दो लॉस बाय फायर अकाउंट, कितना लॉस हो गया? 4000। तो इधर अमाउंट आ जाएगा 4000। अमाउंट बेटा वही होगा जैसा हम कैश बुक में कर देते, जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ। तो इस तरफ का अगर मैं टोटल करूं बेटा तो कितना हो रहा है जरा देखें, इस तरफ का टोटल हो रहा है 9000, और उस तरफ का टोटल अगर हम देखें तो हो रहा है 45000। तो 45 हो रहा है इस तरफ हो रहा है 9, बड़ा टोटल कौन होता है? 45000। तो दोनों तरफ कौन सा अमाउंट आने वाला है? 45000। तो लिख दे जरा 45000, इस तरफ भी बेटा 45000। लास्ट डेट को बेटा इधर लिखेंगे, जिस तरफ छोटा टोटल होता है उधर जनवरी 31 बाय बैलेंस सी डी। ये कैश बुक में सीख चुके हो तुम। और 45 में से जो बेटा छोटे तरफ का टोटल था, इस तरफ 45 है उस तरफ 9 है, तो 45 से अगर हम 9000 माइनस कर दें तो आंसर हमारा आएगा 36000। बेटा जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखा है, और बड़े टोटल से छोटे वाले टोटल को माइनस कर दिया तो 36000 हमारा आंसर आया। फिर बेटा नेक्स्ट मंथ में हम जाते हैं इस तरफ फर्स्ट, और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बी डी। और टू बैलेंस बी डी में आ जाएगा 36000। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ परचेज अकाउंट, स्क्रीन पे दिख गया होगा आप लोगों को परचेज अकाउंट अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था लेजर का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसके बाद हम करेंगे। अमन बाद में ज्वाइन हुआ है, अमन क्लियर है? वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ठीक, तो बेटा ये परचेज अकाउंट है, और किसी को प्रॉब्लम है इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं। सभी को क्लियर? बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 5 भी परचेज अकाउंट ही हमको बनाना है, तो वो भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसमें तुम लोगों को बनाना है सेल्स अकाउंट। तो बेटा सेल्स अकाउंट में ऊपर हेडिंग डालोगे सेल्स अकाउंट, और कुछ भी सेल्स अकाउंट में कभी भी सेल्स नहीं आएगा। जैसे अगर हमारी एंट्री अगर हम करेंगे फर्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राहुल, तो हमारी एंट्री बनेगी राहुल डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स तो आ नहीं सकता है बाय राहुल। नेक्स्ट में आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू सुनील, तो टू सुनील अब एंट्री होगी सुनील डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स नहीं आ सकता बाय सुनील। सोल्ड गुड्स टू अनिल ही पेड थ्रू चेक, यहाँ पे चेक के थ्रू किया है तो चेक इन हैंड डेबिट टू अनिल, तो टू अनिल नहीं आएगा बाय चेक इन हैंड आ जाएगा। कैश सेल्स तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स फिर से नहीं आएगा बाय कैश। और सोल्ड गुड्स टू कमल, तो कमल डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स फिर से नहीं आएगा बाय कमल। मींस बेटा इस क्वेश्चन को मैं वर्बली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बेटा जो सेल्स है सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता है, इसलिए इसके अकाउंट में सब हमेशा क्रेडिट आएगा, बाय तरफ ही आएंगी पूरी एंट्री जितनी भी है सभी बाय साइड ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, सभी एंट्री बाय में आएंगी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट लिखेंगे बाय राहुल, सेकंड लिखेंगे बाय सुनील, थर्ड लिखेंगे बाय चेक इन हैंड, फोर्थ लिखेंगे बाय कैश, और लास्ट लिखेंगे बाय कमल। कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार और सुन लो, बाय राहुल, बाय सुनील, बाय चेक इन हैंड, बाय कैश और बाय कमल, सब कुछ बाय में ही आएगा, टू में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी से हमेशा क्रेडिट ही होता है। फर्स्ट एंट्री में बेटा 20 था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो जो 10% का अमाउंट है हमारा, 10% के अमाउंट पर हम क्या करेंगे, 20% लगाएंगे, जो 2000 आएगा 2000 10,000 से माइनस करके 1000 का अमाउंट हम लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री में जो 10,000 अमाउंट है वो हम कितना लिखेंगे, 8000। बस इतना तुम लोगों को समझना है, करना है, डाउट होगा तो फिर मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम आ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब किसी पर्सन का अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो यहाँ पे हमें अब देखना है। तो बेटा यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 में, श्रीकांत अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब यहाँ पे हमें श्रीकांत का अकाउंट बनाना है। लास्ट लाइन अगर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रिपेयर श्रीकांत अकाउंट एंड बैलेंस द सेम, श्रीकांत का अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस भी करना है। तो परचेज हम यहाँ से सबसे पहले हटा दें, परचेज की जगह पे क्या हो जाएगा, श्रीकांत, श्रीकांत अकाउंट। ठीक, अब ये श्रीकांत अकाउंट हो गया, स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें एक चीज तुम्हें एक टर्म पहले ही दिख जाएगा जहाँ स्टार्ट हो रहा है, श्रीकांत अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस, श्रीकांत के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जनवरी, सॉरी हाँ जनवरी है, जनवरी फर्स्ट, और जो बैलेंस है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब बेटा ये बाय साइड क्यों लिख रहा हूँ, कोई मुझे अपडेट करेगा, टू तरफ क्यों नहीं लिख रहा हूँ बैलेंस, जो 5200 का बैलेंस दिया है वो मैं क्रेडिट तरफ क्यों लिख रहा हूँ, डेबिट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कोई बता सकता है। बेटा जो 5200 का फर्स्ट लाइन में बैलेंस दिया है, श्रीकांत अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस, उसको मैं क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूँ, डेबिट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ। बेटा रिप्लाई अगर नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, बताओ फटाफट, क्यों क्रेडिट में लिख रहा हूँ। अमन, गरिमा, ज्यांश, वैशाली, कोई भी एक आंसर दो, क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूँ। अमन कुछ बोल रहे हो, बेटा क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहा हूँ, यार तुम पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहा हूँ, उसमें क्लियर तो लिखा है श्रीकांत अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस, अब जब वो खुद बोल रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस है तो हम फिर डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना, इसलिए क्रेडिट साइड लिख। अब क्लियर है, इस तरफ डेबिट साइड होती है इसलिए क्रेडिट साइड में लिख। नेक्स्ट एंट्री है बेटा पेड कैश, यहाँ पे बेटा जो सेंटेंसेस है वो थोड़े से इनकम्प्लीट है तो इनको हमें कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी देखें, लिखा हुआ है पेड कैश, तो हम बेटा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे पेड कैश टू श्रीकांत, क्या एंट्री होगी हमारी, पेड कैश टू श्रीकांत। तो अगर मैं इसको जर्नल एंट्री बनाऊं मैं, तो श्रीकांत को अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री होगी श्रीकांत डेबिट
टू कैश। हम बेटा श्रीकांत का अकाउंट बना रहे हैं तो श्रीकांत में श्रीकांत तो नहीं आएगा, टू तरफ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि श्रीकांत के अकाउंट में श्रीकांत का नाम कभी भी नहीं आएगा, टू कैश आ सकता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, टू कैश। तो इधर लिख देते हैं जनवरी 5 टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बेटा कितना कैश पे किया है, 3000। नेक्स्ट एंट्री है बेटा बॉट फ्रॉम हिम, मतलब बॉट फ्रॉम श्रीकांत, हिम की जगह हम क्या कर देंगे, श्रीकांत। तो अगर श्रीकांत से बेटा बॉट किया है मतलब खरीदा है, तो जब भी खरीदते हैं हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत। तो परचेज के अकाउंट में, सॉरी श्रीकांत के अकाउंट में टू श्रीकांत तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो श्रीकांत का ही अकाउंट है, जिसका अकाउंट होता है उसमें उसका नाम नहीं आता है, तो टू श्रीकांत नहीं होगा। बाय तरफ जाके हम लिख देंगे बाय परचेजेस। तो लिख देते हैं नेक्स्ट एंट्री बेटा क्या होगी, बाय परचेज अकाउंट डेट डालेंगे बेटा। तो डेट क्या डालने वाली है हमारी, नेक्स्ट है जनवरी 12, तो यहाँ डालेगा जनवरी 12 बाय परचेज अकाउंट। एंड बेटा अमाउंट फिल करेंगे, अमाउंट कितना है परचेज का, 1800, तो अमाउंट आ गया 1800। नेक्स्ट एंट्री के ऊपर अगर हम आते हैं जनवरी 15 गुड्स रिटर्न टू हिम, हिम की जगह हमें फिर से क्या करना है, श्रीकांत, गुड्स रिटर्न टू श्रीकांत। तो अगर जर्नल एंट्री बनाए तो फिर से क्या एंट्री होगी, श्रीकांत डेबिट टू परचेज रिटर्न, श्रीकांत डेबिट टू परचेज रिटर्न। बेटा श्रीकांत के अकाउंट में श्रीकांत नहीं आ सकता है, क्या हम लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो लिखते हैं हम टू परचेज रिटर्न। डेट डालेंगे सबसे फर्स्टली, डेट है बेटा नेक्स्ट हमारी जनवरी 15, तो जनवरी 15 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न पीआर बेटा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, परचेज रिटर्न इसका मतलब है कितना, परचेज रिटर्न हो गया भैया 200 का, तो लिख दिया हमने 200। नेक्स्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो है चेक इशू टू हिम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। बेटा श्रीकांत को हमने चेक इशू कर दिया, अब जब हमने श्रीकांत को चेक इशू किया तो क्या एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे बेटा श्रीकांत रिसीवर है, और अगर श्रीकांत रिसीवर है तो जो रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट, तो श्रीकांत डेबिट टू क्या इशू करना है बेटा, चेक, चेक इशू करना है तो टू बैंक, और जहां बैंक होगा वहीं पर डिस्काउंट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, श्रीकांत डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। ठीक है, अब श्रीकांत के अकाउंट में फिर से श्रीकांत नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, टू बैंक और टू डिस्काउंट, तो वो ही हम लिख देंगे टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। श्रीकांत का अकाउंट है इसलिए श्रीकांत उसमें नहीं आना है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट। डेट डालेंगे बेटा यहां पर डेट है जनवरी 18, तो जनवरी 18, फिर से जनवरी 18, दो एंट्री एक ही डेट की है। अमाउंट बेटा डालेंगे, श्रीकांत को चेक दिया है 2450 एंड श्रीकांत को डिस्काउंट दिया है ₹50, तो डिस्काउंट में लिख दिया ₹50। लास्ट एंट्री बेटा जनवरी 25, जनवरी 25 क्या बोल रहा है, बॉट फ्रॉम हिम इन कैश, बॉट फ्रॉम हिम इन कैश, श्रीकांत से भैया क्या किया, गुड्स खरीदा है कैश में। जर्नल एंट्री बना लें जरा, क्या होनी चाहिए, श्रीकांत से बेटा परचेज किया है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश, क्योंकि बेटा कैश में खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रही है तो इस एंट्री में तो डेबिट में भी श्रीकांत नहीं है और क्रेडिट में भी श्रीकांत नहीं है। मीन्स ये एंट्री श्रीकांत के अकाउंट में ना डेबिट में आएगी ना क्रेडिट में आएगी, ये एंट्री बेटा एक परचेज अकाउंट में जाएगी एंड एक कैश अकाउंट में जाएगी, दो जगह पर ये एंट्री जाएगी। तो इसलिए इसका इफेक्ट श्रीकांत के अकाउंट में किसी भी तरफ नहीं पड़ेगा। तो बेटा नीचे नो हिंट भी दी हुई है हमारे बुक में, नो एंट्री विल बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 25 जनवरी इन श्रीकांत अकाउंट एज दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है तो इसका इफेक्ट बेटा ना डेबिट में होगा ना क्रेडिट में, इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में होगा परचेज अकाउंट में होगा, इसलिए ये नहीं है। उसकी हम बैलेंसिंग करते हैं फटाफट, किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। ठीक है बेटा, तो देखें जरा हम टोटलिंग अगर बेटा हम करेंगे तो इस तरफ डेबिट साइड का टोटल हो रहा है हमारा, ये हो गया 5,500, 5,700। ठीक है बेटा, क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, इस तरफ तो 5,700 टोटल हमारा हो रहा है, इस तरफ टोटल हमारा कितना हो रहा है 7,000 हो रहा है टोटल। 7,000 इस तरफ और बेटा सात जो बड़ा टोटल है वही 7,000 इस तरफ। अब बेटा डेबिट तरफ का टोटल है हमारा, एक क्रेडिट साइड तो बेटा हुआ 7,000, डेबिट साइड हो रहा है 5,700, 5,700 माइनस अगर हम करेंगे तो आएगा 1,300, और 1,300 ही हमारा आंसर है। आंसर भी आ गया, जिस तरफ बेटा टोटल छोटा होता है आंसर उसी तरफ लिखते हैं, ये हम लोगों को पता है पहले से भी। तो आंसर हम किस तरफ लिखेंगे, इस बार छोटा टोटल हमारा डेबिट साइड है तो हमारा आंसर डेबिट साइड आएगा। क्या हम लिखेंगे, मंथ की लास्ट डेट डालेंगे Jan 31st, टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, और बैलेंस आ गया हमारा कितना 1,300। अब बेटा नेक्स्ट मंथ में अगर हम देंगे तो इस तरफ हमारा होगा Feb 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो 1,300 है उसको हम करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा एक हमने आज परचेज अकाउंट देखा, सेल्स अकाउंट मैंने तुम लोगों को बोला है कि आप ही लोगों को करके देखना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक मैंने बेटा पर्सनल अकाउंट बताया, श्रीकांत का अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, श्रीकांत का अकाउंट मैंने जो बताया वो पर्सनल अकाउंट है, किस तरीके से श्रीकांत का अकाउंट बनेगा। तो बेटा और आगे पर्सन के अकाउंट दिए हैं, जैसे 8th क्वेश्चन में पाटिल ब्रदर्स का अकाउंट बनाना है, 9th क्वेश्चन में राजकुमार का अकाउंट बनाना है, 10th क्वेश्चन में ये लखनऊ फर्नीचर कंपनी है तो इसमें शायद भरत का अकाउंट, हाँ भरत का बनाना है। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट हो जाएं तो वो कंप्लीट आप करें।